बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज वाराणसी में पिछड़ी जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। अमित शाह के इस लंच पर अखिलेश और मायावती दोनों की नजरें टेढ़ी हो गयी। करेला का भरवा, दाल, चावल और चपाती। अमित शाह ये खाना जहां बैठकर खा रहे हैं वो गिरजा प्रसाद बिंद के घर का बरामदा है। गांव का नाम जोगियापुर है, जो पीएम मोदी के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। करीब 1200 की आबादी वाले गांव में ज्यादातर बिंद हैं, जो अति पिछड़े माने जाते हैं। यूपी में जाति की सियासत करने वाले इस लंच को सियासी बता रहे हैं। मान लीजिए चुनाव आ गया, कहीं संदेश देना है तो स्नान भी करेंगे कुछ लोग। संदेश देना है, मान लो हम ही उस दिन मजदूर भाइयों के साथ खाना खाए। हमने मजदूर भाइयों के साथ खाना खाया, जो बगल में महिला बैठी, हमने जात नहीं पूछी उसकी। उधर मायावती ने बयान जारी कर कहा, एक तरफ हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है वहां काशीराम की मूर्ति तोड़ी जा रही है, और अमित शाह ओबीसी के यहाँ खाना खा रहे हैं। ये मुंह में राम, बगल में छुरी जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि अब तक ये रणनीति कांग्रेस अपनाती थी, राहुल गांधी अपनाते थे, अमित शाह ने किसके कहने पर यह रणनीति अपनाई अभी ये साफ नहीं है।